हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट बीएससी नर्सिंग, बिकॉज बहुत से बच्चों लगातार क्वेरी आ रही है कि सर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाइए बीएससी नर्सिंग को लेकर, लाइक क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या स्कोप है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं और कैसे हम नर्सिंग की प्रिपरेशन करें। तो एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिले। मैं टॉपिक से बात करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा उद्देश्य किसी भी कोर्स को जो है कमज़ोर साबित करने का नहीं, और ना ही मानता हूँ। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BPharm हो, BSc नर्सिंग हो, सभी बेस्ट हैं और आपका जो फ्यूचर सभी में बेस्ट हो सकता है। आपको मेहनत करनी है, आपको अपने विश्वास रखना है। तो फटाफट टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं BSc नर्सिंग को लेकर। दोस्तों, कहते हैं कि अगर MBBS हमारी बॉडी का हार्ट है तो जो अदर सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, किडनी, ये सभी रोल प्ले करता है नर्सिंग। कहते हैं कि एक MBBS डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, तो इससे कहीं कम नहीं है नर्सिंग स्टाफ, बिकॉज डॉक्टर के साथ कदम से कदम मिला के वर्क करता है नर्सिंग स्टाफ। चाहे वो ICU में हो, चाहे वो नॉर्मल वार्ड में हो, चाहे वो सर्जरी रूम में हो, हर जगह नर्सिंग जो है प्रॉपर हार्डवर्क करती हैं। एक्चुअल में इंडिया में ना नर्सिंग को इतना भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना कि एक डॉक्टर को मिलता है। वैसे कि नर्सिंग भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, काफ़ी वाइड स्कोप है और 4 ईयर का कोर्स होता है। अब वो बच्चे जो 10+2 क्वालिफाइंग हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखी है, तो वो बच्चे नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फीस भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी कम होती है। प्राइवेट फीस जो होती है वो 70 to 1 lakhs पर ईयर होती है। गवर्नमेंट की फीस आपको 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़्यादा आती है। MBBS के बाद जो सेकेंड ट्रेंडिंग कोर्स है जिसकी वैकेंसीज बहुत आती हैं, तो वो BSc नर्सिंग ही है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बेसिक नर्सिंग, एलिमेंट्री नर्सिंग, यानी काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है और काफ़ी आपको हार्डवर्क भी करना होता है। अब सवाल पर यहाँ पे आता है कि देश की कौन कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो यार देखो, आप एम्स से नर्सिंग कर सकते हो, उसका अलग फॉर्म निकलता है, CMS BHU का भी निकलता है, और एक KGMC जो नर्सिंग को कराता है वो एडमिशन उसका जो होता है वो मेरिट बेस पे होता है। इसके अलावा जितनी अदर बॉडी हैं, चाहे वो जिपमर हो, चाहे एम्स हो, BHU हो, CMC हो, ये सभी कॉलेजेस जो है एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप 10+2 क्वालिफाई कर चुके हो और आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको लगता है कि आपसे जो है नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, आपको MBBS नहीं मिलेगा, तो आप नर्सिंग में भी जो है ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं ये कहूँगा कि अपने भी विश्वास हो तो सब कुछ संभव है, कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि सैलरी को लेकर, तो सैलरी जो होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में हो और क्या वहाँ पर पे ग्रेड है। नॉर्मली अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप 20,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक कमा सकते हो, प्राइवेट बॉडी में भी और गवर्नमेंट बॉडी में भी। जितना आप सीनियर होते हो उतनी ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट पेशेंट के टच में होते हो। एक डॉक्टर से पहले आप उसको असिस्ट करते हो, आप उसको जो है कहते ना कि एक बहुत क्लोजली जो है विजिट करके उसको जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे, फिर आप उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करते हो। तो अगर आपने सुना होगा मदर ट्रेशा का नाम, वो भी एक नर्स ही थी और जो कि मतलब कहते हैं कि मेडिकल की जो वो होती है ना बोन मैरो, तो वो उस कैटेगरी में थी। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग नर्सिंग बहुत ही बेस्ट कोर्स है और आप सभी इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। आपका क्या मानना है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर दें। एडमिशन बहुत सिंपल होता है, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, अगर आप तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एम्स हो गया, KGMC, BHU, इन सब जगह एडमिशन मिल जाता है। और ये ऐसी बॉडीज़ हैं जहाँ से अगर आप नर्सिंग करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी फिक्स होती है और प्राइवेट में आपकी अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर आप स्कोप की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। दैट मीन्स ये कि आप होम नर्सिंग तजरिए, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब, ट्रस्ट, बहुत जगह काम कर सकते हैं। बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया में नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी कुछ वो अर्न करते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि इंडिया में नर्सिंग की इतनी अभी जो है रिस्पेक्टिव जॉब नहीं मानी जाती है, बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज और लोगों को समझ में आ रहा है कि नर्सिंग किसी भी एंगल्स में मेडिकल से कम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।